हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानकी की बड़ी बहू को एक लड़का था और बाकी की चार बहुओं को कोई बच्चा नहीं था, लेकिन चारों बहुएं सूरज यानी जानकी के पोते से जलती थी। ये औरतें ना जाने मेरे पोते से इतना क्यों जलती हैं? अगर इतना ही गुमान है तो खुद का बच्चा क्यों नहीं कर लेती? कभी कभी तो इनके साथ मुझे सूरज को छोड़ने में भी डर लगता है। कहानी की शुरुआत होती है जानकी से, जो अपने 14 साल के पोते के साथ बैठी होती है। तभी सूरज अपनी दादी से कहता है, दादी क्या मैं थोड़ी देर के लिए खेलने जाऊँ? मुझे बाहर खेलने का बहुत मन कर रहा है। नहीं, तुझे खेलना ही है तो घर के आंगन में खेल, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दादी आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती? मुझे भी बाहर जाना है खेलने के लिए। आप मना कर देती हो, अब माँ भी मना कर देती हैं। बेटा आंगन में ही गोलू के साथ खेल ले, मैंने कभी मना किया है खेलने से? बस मुझे तेरी चिंता है, तू बाहर गया तो गिर ना जाए कहीं। ठीक है दादी, आप कहती है ना तो मैं नहीं जाता बाहर, यहीं आंगन में खेल लेता हूँ। जानकी की पांच बहुएं थी, जिसमें से जानकी की सबसे बड़ी बहू निशा को एक बेटा था जिसका नाम सूरज था, और सूरज के जन्म के साथ ही जानकी के बड़े बेटे का निधन हो गया था। वहीं जानकी की बाकी बहुओं को कोई बच्चा नहीं था। अब देर शाम जानकी के घर विमला का आना होता है। अरे जानकी कैसी है? बस कुछ देर पहले ही गांव से आई हूँ। गांव घूमकर बड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ। शहर में तो बस पार्क से घर और घर से पार्क ही होता है घूमना घुमाना। अरे मैं भी सोच रही हूँ गांव जाने का, मेरी बड़ी वाली बहन रहती है गांव में और तू तो मेरे घर का हाल जानती ही है। कहने को तो पांच पांच बहुएं हैं लेकिन एक भी किसी काम की नहीं है। अरे अब क्या कर दिया किसने? बच्चों की चिंता खा रही होगी जानकी, मैं समझ सकती हूँ। नहीं विमला, तू क्यों समझेगी मेरा दुख? मुझे पोता पोती देने वाली मेरी बहुएं भी जब मुझे नहीं समझ पा रही हैं तो तू क्या ही समझेगी। मुझे भी लग रहा है कहीं तेरी बहुओं पर किसी ने नजर गुजर तो नहीं कर दिया। भगवान जाने क्या है इनके मन में, बड़ी वाली ने तो मुझे पोते का सुख दिया लेकिन सूरज के जन्म होते ही मेरा बेटा चल बसा। उसका दुख दर्द भी अब तक मेरे अंदर ही है। मैं समझ सकती हूँ जानकी, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू ही बता कैसे चिंता ना करूँ, दूसरी वाली बांझ है, तीसरी को बच्चा ही नहीं करना है, उसका फिगर खराब हो जाएगा, और चौथी का तो तू जानती ही है उसका इलाज चल रहा है, और पांचवी में कोई कमी नहीं बता रहे डॉक्टर, तो उन्होंने मेरे छोटे बेटे का टेस्ट किया तो कमी उसमें बता दी। देख विमला, मैं तो कहती हूँ तू कोई झाड़ फूक करवा ले, तेरे घर पर कोई बुरी नजर लगी है, भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। जानकी की एक बहू बांझ थी और वो जिंदगी भर कोई बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ जानकी की एक बहू फिगर बनाने में अपनी जिंदगी खराब करने वाली थी, जो बच्चा करना ही नहीं चाहती थी, और एक की कुछ दवाइयां चल रही थी, और बची एक बहू जो सबसे छोटी, जिसको तो वो दोष ही नहीं दे सकती थी। अरे विमला, हमारे समय में तो ना डॉक्टर होते थे, ना हम बच्चा पैदा करने हॉस्पिटल जाया करते थे, बस नर्स के नाम पर दाई ही बच्चे होने पर वहाँ मौजूद होती थी, और अब के समय में लोगों को जितनी फैसिलिटी दी जाती है ना, उतनी ही दिक्कतें जनानियों को भी आ रही हैं। एक लाख पते की बात कही है तूने जानकी, तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। महीने में एक दो बार बहुओं को गंगा स्नान लेकर जाया कर, पूजा पाठ हवन करवाया कर, अब तो सब भगवान के ही हाथों में है। जानकी अपनी बहू के बच्चों के लिए परेशान रहा करती थी, लेकिन जानकी की बहुओं को मानो इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। एक रोज जानकी हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है कि तभी मुस्कान अपनी सास जानकी से कहती है, माँ जी क्या आपने बड़ी दीदी को कहा है कि घर में दूध सिर्फ सूरज के लिए आएगा, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोगों का दूध दही खाने का क्या फायदा, जब तुम एक बच्चा पैदा नहीं कर पाओ तो भला मैं तुम पर खर्च करके क्या ही करूँगी? वैसे माँ जी मुझ में तो माँ बनने के सारे गुण हैं, कमी तो कहीं और ही है, तो खैर मेरा दूध दही क्यों बंद करवा रही हैं? तुम पांचों के लिए मैंने दूध दही बंद करवाया है, बस इस घर में दूध दही हम दादी पोतों के लिए आया करेगा। माँ जी आप बेशक दूध दही में कमी कर लीजिए, लेकिन आप अंजू को तो जानती ही हैं,
उसके फिगर को मेंटेन रखने के लिए दूध दही कितना जरूरी है। अच्छा ठीक है बहू, तू कहती हो तो दूध दही में कमी नहीं करती। एक काम करती हूँ, बंद ही कर देती हूँ, अब तो खुश हो ना। जानकी अपनी बड़ी बहू की हर बात मानती थी। ये देख बाकी की चारों बहुएं निशा से बहुत जलती थी, यहाँ तक कि वो उसके बेटे सूरज से भी प्यार से बात नहीं करती थी। सूरज जा दुकान से अपनी चाची के लिए बिस्कुट ले आ, उसमें से मैं तुझे भी दो बिस्किट दे दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं चाची, मैं अभी गया और अभी आया, लेकिन ये बात आप दादी को मत कहिएगा वरना वो मुझे डांटेंगी। हाँ हाँ किसी से नहीं कहूँगी, चल अब जा जल्दी। सूरज भी अंजू के कहने पर दुकान जाता है। इधर निशा और जानकी सूरज को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सूरज रोते हुए घर आता है। माँ माँ मेरे को चोट लग गई, कितना खून बह रहा है। अरे कैसी लगी मेरी लल्ला को चोट, तू ठीक तो है ना? तू बाहर गया ही क्यों था, कितनी बार तुझे कहा है घर से निकलने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। दादी मैं तो चाची के लिए बिस्किट लेने गया था, उन्होंने कहा था मुझे बिस्किट खिलाएंगी तो मैंने भी मना नहीं किया। किसके कहने पर गया था, नाम पता उसका? आज मैं खाल उधेड़ कर रख दूंगी उसकी। जब घर में सबको पता है सूरज को कहीं बाहर नहीं जाने देती हूँ मैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई सूरज को बाहर भेजने की? माँ जी माना कि हमारा बच्चा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे सर पर चढ़ा कर रखेंगी। मैं तो तुम लोगों से पहले ही कहती थी कि इस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती है, उसकी ही होती है जो इस घर के कुल को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करे। दीदी के बारे में कुछ भी मत बोलो, और सूरज अभी बच्चा है, उसे अभी अकल ही कहाँ है। हाँ क्यों नहीं, सूरज तो बेअकल है और हम बदनसीब हैं जो इस घर की बहू बने बैठे हैं। जानकी अपनी बहुओं से बहुत परेशान थी, उनका ताना बाना एक दूसरे पर पूरे दिन ही चलता रहता था। ऐसे ही एक रोज जानकी घर पर नहीं होती और निशा किसी काम से मार्केट गई होती है, और घर में सिर्फ अंजू मुस्कान काजल और चंदा ही होते हैं। वहीं एक कमरे में सूरज अकेला बैठकर पढ़ रहा होता है कि तभी एक आदमी अंजू से पानी मांगता हुआ घर के दरवाजे पर आ जाता है। बहन जी एक गिलास पानी मिलेगा क्या, बहुत प्यास लगी है। जी मैं अभी लेकर आती हूँ पानी। जितनी भी चीजें हैं, पैसे गहने और कीमती घड़ी, ये कान के भी, सब कुछ निकाल कर इस कपड़े में बांध दो वरना इसका गला काट दूंगा। दीदी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। मुस्कान चंदा जो भी है तुम लोगों के पास दे दो इसे, जल्दी करो। आप बहुत अच्छे, जल्दी से ये सब कुछ यहाँ निकाल कर रख दो। अब देखो हमारे पास जो कुछ भी था हमने आपको दे दिया है, अब तुम अंजू को छोड़ दो। चाची ऐसे भूत बनकर खड़े मत रहो, इसे कुर्सी से जल्दी से बांध दो और पुलिस को फोन कर दो। हाँ हाँ मैं तो अभी पुलिस को फोन करती हूँ। कुछ देर बाद ही पुलिस भी आती है और उसी वक्त जानकी और निशा भी घर आ जाते हैं, और पुलिस को एक अनजान आदमी को ले जाते देख जानकी अपनी बहू से कहती है, अरे ये पुलिस यहाँ क्यों आई है हमारे घर, और सूरज कहाँ है? सूरज तो ठीक तो है ना? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सूरज को कभी अपने बच्चे का प्यार नहीं दिया, लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि एक बेटा अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं करता। हाँ माँ जी आज मुझे भी एक बात का एहसास हुआ है कि हमने कभी सूरज को अपना बेटे का प्यार दिया ही नहीं है, लेकिन वो अपनी माँ के साथ साथ हम चारों को भी माँ मानता है। और आज से सूरज की एक माँ नहीं बल्कि पांच माएँ हैं। ये हुई ना बात, मेरी पांच बहुओं की एक संतान। जानकी को चंदा सारी बात बता देती है और सूरज की निडरता और प्यार ने तो सबका दिल ही पिघला दिया था। सोनम अपने बड़े भाई कुलदीप और भाभी रजनी के साथ रहती थी। सोनम के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसके बाद कुलदीप और रजनी ही सोनम की देखभाल कर रहे थे। सोनम की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी। सुनिए जी अब तो आप सोनम के लिए लड़का ढूंढना शुरू करो, क्या सारी उम्र इसे यहीं बिठाने का इरादा है? मैं तो कहती हूँ चलते फिरते जो कोई भी मिले उससे पूछते रहा करो, मेरी बहन के लिए कोई लड़का हो तो बताना। तो क्या तुम्हारे भाई बहन माता पिता तुम्हारे लिए ऐसे रिश्ता देखते हैं? सुनिए जी मेरे माँ पापा के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूँ, पहले ही बता देती हूँ आपको,
मुझे अपनी बहन के लिए ना रिश्ता कैसे देखना है वो मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, ज्यादा हाई फाई रिश्ता भी मत ढूंढ लेना, इतने पैसे भी नहीं है, शादी करनी है तो वो भी किसी से भी हो सकती है। रजनी अपनी ननद सोनम के लिए भला बुरा बोलती रहती, लेकिन सोनम पलटकर कभी भी रजनी को जवाब नहीं देती थी। कुलदीप भी अपनी बहन के इस नेचर को जानता था, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को हर वक्त सोनम को ताने देने के लिए सुनाता ही रहता। ऐसे ही समय बीतता है और सोनम के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आता है। अरे क्या बेटी, घर के काम काज तो अच्छे से जानती हो ना? जी आंटी जी, मेरी बहन तो लाखों में एक है, घर के सारे काम उसको आते हैं, संस्कार और गुण ये तो कूट कूट के भरा हुआ है। देखो बेटा, लड़की में कोई कमी नहीं है और लड़की घर के काम काज भी अच्छे से जानती है, संस्कारी भी है, समझो ये रिश्ता पक्का। हाँ, बस एक दिन आप लोग आके हमारे बेटे को देख लो और बातचीत को फाइनल कर दो। अब शांति और रामपाल को सोनम तो पसंद आ जाती है, वहीं कुलदीप को भी अपनी बहन के लिए अजय पसंद आ जाता है और इस रिश्ते को मंजूरी दे दी जाती है, जिसके बाद शादी की डेट फिक्स की जाती है और जल्दी ही वो दिन भी आता है जब सोनम अपनी मायके से विदा होकर ससुराल आती है। आओ आओ बेटी, अब ये ही तुम्हारा अपना घर है और मैं तुम्हारी माँ और ये तुम्हारे पिताजी। हाँ हाँ बेटी, अब से तुम्हारा ही घर है, ये हमारी बेटी तो नहीं है लेकिन आज से तुम इस घर की बेटी हो। हाँ, शायद इसी दिन के लिए हमारी कोई बेटी नहीं थी। आओ बहू, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। सोनम की सास शांति और ससुर रामपाल दोनों ही बहुत अच्छे थे। जिस दिन से सोनम घर आई थी उस दिन से सोनम को माँ और पिता दोनों के प्यार की कमी भी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि शांति और रामपाल सोनम को वो हर प्यार दे रहे थे जो एक माता पिता देते हैं। बहू, तेरा काम अभी नहीं हुआ क्या? जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो जाया कर, थोड़ा आराम भी तो जरूरी है ना। बस माँ जी, हो गया मेरा काम। बहू, जब तुम नहीं थी तो तुम्हारी सास मुझसे ही घर का सारा काम करवाया करती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं करते आप भी? अगर आप सब्जी काटना, बर्तन धोना ये सब नहीं करते तो आपको भी पता था ना कि खाना नहीं मिलना। और इस मारे मेरे पिताजी भी जल्दी जल्दी काम कर लिया करते थे। अच्छा बहू, आज अजय अभी तक नहीं आया, ना ही उसने फोन किया। जी माँ जी, मैंने भी उन्हें फोन किया था लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। अच्छा, आ जाएगा, किसी काम में फंस गया होगा। शांति सोनम इधर अजय का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी शांति को एक फोन आता है। उसके बाद शांति के हाथ से फोन गिर पड़ता है। माँ जी आप ठीक तो हैं? बताइए ना क्या हुआ आपको, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? माँ जी, माँ जी। बहू, अजय, अजय नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया। ये क्या बोले जा रही हो तुम? और ये सब तुम्हें किसने कहा फोन कर? अजय की मौत के बाद पूरा घर गमगीन हो जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। इधर सोनम का भी रो रो कर बुरा हाल होता है और जब ये बात रजनी और कुलदीप को पता चलती है तो वो भी सोनम से मिलने पहुंचते हैं। अरे अब क्या कर सकते हैं, जो लिखा होना है वही होता है, लेकिन अभी तो तेरी शादी हुई थी और अभी ये सब देखने को मिला, सुनकर बुरा लग रहा है लेकिन अब क्या कर सकते हैं, खुद को संभाल। इस समय तो अपना मुंह बंद रखो। धीरे धीरे सोनम और उसके परिवार वाले खुद को संभाल रहे थे, लेकिन अब भी सोनम उदास ही थी। एक रोज शांति अपने पति से कहती है, जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था, मैं तो कहती हूँ अब हमें सोनम के बारे में सोचना चाहिए, वो बहुत उदास रहती है। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ, पिछले कुछ समय से सोनम की उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही। उसे हम अपने घर की बहू नहीं बेटी बना कर लाए थे, लेकिन अब हमें सही मायने में उसके माँ बाप होने का फर्ज निभाना होगा। जी आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं तो कहती हूँ हमें सोनम के लिए एक लायक और अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहिए। हाँ, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, तो अगर तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता हो सोनम बिटिया के लायक तो बता देना। सोनम के लिए विजय कैसा रहेगा? आप देखते हैं ना, जब भी विजय यहाँ आता है तो भाभी भाभी करता रहता है,
मेरे भाई का लड़का है, शहर में अच्छा कमा रहा है और उसके माँ बाप भी नहीं है। वो मेरी बात को कभी नहीं टालेगा। हाँ, एक बार तुम विजय से बात करो, मुझे भी नहीं लगता कि वो तुम्हारी बातों को काटेगा। शांति अपने भतीजे विजय को घर बुलाती है और विजय और अपनी बहू सोनम को आमने सामने बैठाती है। विजय बेटा, मैंने तुझे यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ तू मेरी बेटी का हाथ थामे। हाँ बेटा, अब हम तुझ पर ये फैसला छोड़ते हैं। बता, क्या तू सोनम का हाथ थामेगा? मुझे सोनम भाभी का हाथ थामने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सोनम भाभी को आप लोगों का प्यार नहीं दे पाऊंगा। एक बार आप उनसे भी पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती हैं। नहीं माँ जी, मैं आपको और पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन हम तुझे अपने से अलग ही कब कर रहे हैं? तू तो इस घर की बेटी है बेटी, और बेटी को तो ये समाज भले ही पराया कर दे, लेकिन मैं तुझे कभी पराया नहीं करूँगी। तेरा पुराना मायका भले जैसा भी हो, लेकिन नए मायके में कभी तुझे किसी चीज की दिक्कत होने ही नहीं दूंगी। मैं तेरी माँ बनकर रहूंगी। सोनम, मैं आपको बुआ जी और फूफा जी की तरह प्यार तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और जो प्यार आपको फूफा और बुआ जी से जो मिला है ना, वही प्यार मुझे भी मेरे माता पिता के जाने के बाद इन्होंने दिया है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे के जाने के बाद मुझे बहू का ये अकेलापन सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैंने अपना फर्ज निभाया। बेटा, तेरी बात सुन के मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी से पंडित जी से पूछ के तारीख निकलवाता हूँ और अपनी बेटी को खुशी खुशी इस घर से विदा करते हैं हम। सोनम और विजय की शादी की डेट रखी जाती है, जिसमें आस पड़ोस के लोगों के साथ शांति के रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है और सोनम के भैया भाभी भी इस शादी में शामिल होते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तेरे एक मायके में भले ही तुझे माँ बाप का प्यार न मिला हो, लेकिन तेरे सास ससुर ने जो तुझे प्यार दिया है, वो शायद आज मेरे सास ससुर जिंदा होते तो दे पाते। मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी छोटी के लिए। जब मुझे रजनी ने कहा कि तेरी शादी हो रही है दूसरी, तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन अब यहाँ आने के बाद बिल्कुल सही लग रहा है। तेरे सास ससुर का ये फैसला बिल्कुल सही है एकदम। हाँ भैया, इन्होंने मेरे लिए जितना किया है ना, उतना शायद मेरे अपने सगे माता पिता भी नहीं कर पाते। इस तरह सोनम और विजय की शादी हो जाती है, लेकिन अब से सोनम का नया मायका उसके सास ससुर का घर बन जाता है, और पुराना मायका तो उसका था ही, जहाँ उसे अपनी भाभी से जिल्लतों भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। रघुलाल गाँव का जाना माना डॉक्टर था। वो बात और थी कि उसे कुछ भी नहीं आता था। उसका क्लिनिक उसके कंपाउंडर मनोज की बदौलत चलता था, लेकिन रघुलाल कभी इस चीज को नहीं मानता था। उसे लगता था कि उसका क्लिनिक उसके दम पर ही चलता है, जिसके चलते वो मनोज को हमेशा क्लिनिक से निकालने की धमकी देता रहता। एक दिन मनोज देर रात से क्लिनिक पहुंचता है। आइए आइए सर, हमारी क्लिनिक में आपका स्वागत है। आप अभी क्यों आए, थोड़ा और लेट आ जाते, नौकर तो हैं ही क्लिनिक खोलने के लिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप तो जानते ही हैं कि मेरी माँ बीमार रहती हैं। कल रात उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसी चक्कर में लेट हो गया। तुम जब भी लेट होते हो, हमेशा अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाते हो। तुम्हें कोई और बहाना नहीं मिलता क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी माँ सच में बीमार है। आप चाहे तो मेरे साथ घर चलकर देख सकते हैं। मुझे तुम्हारे घर जाने की जरूरत नहीं है। अब आगे से अगर लेट हुए तो उल्टे पांव वापस हो जाना, तुम्हारी मेरे क्लिनिक में कोई जगह नहीं होगी। रघुलाल अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। तभी एक औरत अपनी बेटी को लेकर आती है। देखिए, आपके बेटे को बहुत ही खतरनाक फोड़ा निकला है, इसमें चीरा मारना पड़ेगा और कम से कम 10 दिन दवा लेनी पड़ेगी, तब ठीक होगा। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? चीरा लगाएंगे तब तो मेरे बेटे को बहुत दर्द होगा। ऐसे चीरा तो पकने पे लगता है ना, लेकिन अभी तो ये कच्चा है, दवा से भी तो सूख जाएगा। हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं, मैं दवा दे देता हूँ, उससे आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर कौन है, तुम या मैं? डॉक्टर तो आप ही हैं, लेकिन आपके साथ रहते रहते मुझे भी थोड़ा ज्ञान हो ही गया है। ज्ञान होने में और डॉक्टर होने में बहुत फर्क होता है, आगे से मेरे बीच में बोलने की कोशिश मत करना।
डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के हाथ में फोड़ा निकला हुआ है। बेचारा कल रात से दर्द से तड़प रहा है। कुछ करिए ना, ताकि इसे थोड़ा आराम मिल जाए। रघुलाल मनोज की बातों को काटते हुए अपने अनुसार बच्चे के हाथ के फोड़े में चीरा लगाकर दवाई पानी कर देता है और 500 रुपए ले लेता है। कुछ देर बाद औरत बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी मनोज फिर बोलता है, डॉक्टर साहब आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। आपको उस बच्चे के हाथ के फोड़े में चीरा नहीं लगाना चाहिए। आपने बिल्कुल झोला छाप डॉक्टर वाला काम किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे झोला छाप डॉक्टर बोल रहे हो? मैंने आपको झोला छाप डॉक्टर नहीं बोला है, बल्कि आपके इलाज करने के तरीके को बोला है। आप बिल्कुल झोला छाप वाले डॉक्टरों की तरह मरीजों का इलाज करते हैं। कच्चे फोड़े में चीरा लगाने से इन्फेक्शन होने का डर होता है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, जाके अपना काम करो। रघुलाल हमेशा मनोज की बातों को नजरअंदाज कर देता था, उसकी कही हुई किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था। समय बीतता है, तभी एक दिन एक बुढ़िया उसके पास आती है और बोलती है, बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है। कल रात से मुझे बहुत बुखार है, मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, बहुत दर्द है पूरे शरीर में। कोई अच्छी सी दवा लिख दो, जिससे मुझे जल्दी आराम हो जाए। आओ अम्मा आओ, आप मेरे पास आकर बैठो, मैं आपको अच्छी सी दवा लिख कर देता हूँ, जिसे खाकर आप दौड़ने लगेंगी। डॉक्टर साहब, आप दवाइयों की पुड़िया क्यों बनाने लगे? पहले अम्मा का बुखार तो चेक कीजिए, उसके बाद दवा देना। तुम फिर मेरे काम के बीच में बोल रहे हो? तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे काम के बीच में मत बोला करो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। मैंने गलत क्या बोला है डॉक्टर साहब? आप झोला छाप डॉक्टर की तरह सबका इलाज करते हैं, तभी तो मैं आपको झोला छाप डॉक्टर बोलता हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा डॉक्टर बिना चेक किए दवाई नहीं देता। मैं भी इस लाइन में काफी टाइम से हूँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे नहीं पता है कि बुखार में कौन सी दवा दी जाती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा आपको। मतलब तो तुम्हारा यही है। अम्मा जी आप एक काम कीजिए, आप इसी से दवा ले लीजिए, यही आपको दवाई दे देगा। नहीं नहीं, कल रात से मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं तुमसे ही दवा लूंगी, क्योंकि डॉक्टर तुम हो वो नहीं, और आज तक तुम ही तो सबका इलाज करते आयो। कहने तो इसे सुन लिया ना तुमने, या कुछ और भी सुनना रह गया है? नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना है। मनोज चुपचाप एक कोने में खड़ा हो जाता है और रघुलाल बिना बुखार चेक किए बुढ़िया को दवा दे देता है। बुढ़िया दवा लेकर घर चली जाती है और दवा खाकर आराम करने लगती है और रघुलाल अपने घर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी राधा उसके लिए पानी लेकर आती है। आज आप बड़ी जल्दी आ गई, क्लिनिक पर काम नहीं था क्या? काम तो था, लेकिन काम करने का मन नहीं था, इसलिए चला आया घर। कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं नहीं, मैंने कब बोला कि आपने कुछ गलत किया, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। एक सवाल पूछने वाला इंसान मैंने अपने पास पाल रखा है, दूसरी तुम मत बनो। जब भी मैं किसी मरीज का इलाज करता हूँ तो बीच में कूद जाता है और अपना ज्ञान देने लगता है। जब देखो मुझे झोला छाप डॉक्टर बोलता रहता है। अच्छा, उसको भी आपकी सच्चाई पता चल गई। मुझे तो लगा था कि आपके झोला छाप डॉक्टर होने के बाद सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। माना मैं झोला छाप हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन गाँव के लोगों का इलाज तो मैं कर ही देता हूँ। हाँ हाँ जानती हूँ, आप ही सबका इलाज कर रहे हैं, लेकिन तब तक जब तक इस गांव में कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं आ रहा, जिस दिन आ गया ना उस दिन आप जेल में नजर आएंगे, बिना लाइसेंस और डिग्री के क्लिनिक चलाने के इल्जाम में। मुझे लगता है मुझे घर ही नहीं आना चाहिए। रघुलाल और उसकी पत्नी की सारी बातें उनके दरवाजे पर खड़ा मनोज सुन लेता है, साथ ही उनकी सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लेता है। मैं तो सिर्फ इनके इलाज करने के तरीके पर इन्हें झोला छाप डॉक्टर बोल रहा था, लेकिन ये तो सच में झोला छाप निकले। इनकी सच्चाई तो सबके सामने लानी पड़ेगी। कल मैं अपना फोन क्लिनिक में ही भूल गया था, तुम्हें बोला था कि मेरा फोन मेरे घर दे जाना, तुमसे वो भी काम नहीं हुआ। लगता है तुम अपनी नौकरी गंवाने का पूरा मूड बना चुके हो। मैं भी आज तुमसे यही बोलने आया हूँ, मैं आज से और अभी से तुम्हारे यहाँ की नौकरी छोड़ रहा हूँ। जो खुद झोला छाप है उसके साथ मुझे क्या सीखने को मिलेगा?
बिना बात के मैं भी तुम्हारे साथ फंस जाऊंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कल तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की सारी बातें सुन ली है। मुझे पता चल गया कि तुम्हारे पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है। तुम सबको अंदाजे से दवाई देते हो, मासूम गांव वालों को पागल बनाकर उनसे पैसे लूटते हो। वो तो तुम्हारी तरह मेरी पत्नी को भी मजाक करने की आदत है ना, बाकी ये सच नहीं है। मुझे अच्छे से पता है वो सारी बातें मजाक नहीं है बल्कि सच है। अगर ऐसा होता तो क्लिनिक की दीवार पर तुम्हारी डिग्री होती, लेकिन जब तुम्हारे पास डिग्री ही नहीं है तो क्या लगाओगे दीवार पर? अपनी बात को साबित करने का कोई सबूत है तुम्हारे पास? रघुलाल और मनोज आपस में बातें कर रहे थे कि तभी गांव के लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि गांव के सभी लोग एक बुढ़िया की लाश को पकड़कर रो रहे होते हैं। बुढ़िया को देखते ही रघुलाल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वही बुढ़िया थी जिसका इलाज रघुलाल ने किया था। तभी एक रोती हुई लड़की बोलती है, दादी आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या हुआ इन्हें? कल तक तो ठीक थी, दवा भी लेने आई थी। भैया दादी दवा लेकर आई और खा करके आराम करने के लिए लेट गई। सुबह तक उठी ही नहीं, जब मैंने जाकर देखा तो बहुत देर हो गई थी। बेटी रो मत, वैसे भी इनकी उम्र हो गई थी, संभालो अपने आप को। जो इस दुनिया में आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना ही है ना। तुम अपना मुंह बंद करो, इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अम्मा जी की जान उम्र की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी गलत दवा की वजह से गई है। मैं आज तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। मनोज रघुलाल और उसकी पत्नी की बात वाली वीडियो गांव वालों को दिखा देता है, जिसके बाद गांव वाले उसे मारते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और जेल में डलवा देते हैं। और इस तरह से रघुलाल के झोला छाप डॉक्टर होने की सच्चाई सभी गांव वालों के सामने आ जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।